तो आज हम ऐसे बंदे की बात करने वाले हैं जिसने 10 साल की उम्र में ही हेवन और हेल दोनों एक्सपीरियंस कर लिए थे। जब इसका स्टेटस गया उसके बाद ही इसने डिसाइड किया कि इस दुनिया में वो सब डिस्ट्रॉय कर देगा जिस पर भी वो रूल करते हैं। पूरी दुनिया पायरेट किंग बनने के लिए भाग रही थी, वहीं इसका मकसद उससे भी ऊपर का था। इसे दूसरा ईमूसामा बनना था जिससे कि ये पूरी दुनिया को कठपुतली बनाकर अपने इशारों पर नचा था। साथे 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 डॉन की होते दो फ्रामिंगो इज द ग्रेटेस्ट एंड माय फेवरेट विलन इन वन पीस। और जो चीजें इसे ग्रेटेस्ट बनाती हैं वो है इसका दिमाग। जी हाँ, सही सुना, दिमाग। इसने अपनी जिंदगी में जो भी किया वो एक प्लान के हिसाब से किया जिससे सिर्फ इसे फायदा हो। इसे मारी जोस के ऐसे टॉप सीक्रेट के बारे में पता है जिससे पूरी दुनिया हिला सकता है, और इसी का यूज करके ये वर्ल्ड गवर्नमेंट को भी अपने इशारों पर नचाता है। और अगर ये अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो मैं सच बता रहा हूँ ये किंग ऑफ द पायरेट से भी कुछ ऊपर ऐसा बन जाता जिससे ये पूरे वन पीस के वर्ल्ड पर राज कर सकता था। इतना बड़ा एम्बिशन था इसका। तुम्हें लग रहा होगा ये इतना ताकतवर थोड़ी ना है, तो तुम्हारा ये डाउट बहुत ही जल्द दूर हो जाएगा। बस इस वीडियो को पूरा देखो और फिर तुम्हें पता चलेगा कि असलियत में दो फ्रामिंगो कितना खतरनाक विलन है और क्यों सब इसे वन पीस का ग्रेटेस्ट विलन कहते हैं। स्टडी अबाउट साइकोपैथ्स एपिसोड 5 डॉन क्विक्सोते दो फ्रामिंगो। हु इज दो फ्लामिंगो? दो फ्लामिंगो इज अ मेनियक और वो हमेशा स्माइल करता रहता है। He is egoistic, लेकिन इतना भी नहीं कि आसानी से गलतियां करे। He is narcissistic, लेकिन इतना नहीं कि दूसरे लोगों पर नजर ना रखे। And he is abusive, लेकिन इतना भी नहीं कि बिना वजह के अपने लोगों पर ही चढ़ जाए। और फियरलेस तो ये है ही। जो भी इसके रास्ते के बीच में आने की कोशिश करता है, चाहे अब वो कोई भी हो, वो उसे उड़ाने में एक पल भी नहीं सोचता। जो इसका कहा ना माने वो इसके खिलाफ, और जो इसका साथ दे वो इसका परिवार, और जो चीजें इसे चाहिए वो इन्हें पाने की कोशिश नहीं करता, सीधा छीन लेता है, चाहे उसके लिए इसे किसी भी हद तक जाना पड़े। एंड यस, इसकी डेविलिश लाफ जो कि इसकी कैरेक्टर को और टेरिफाइंग बनाती है। बैक स्टोरी, तो दो फ्लामिंगो कोई आम इंसान नहीं था। ये पैदा हुआ था डॉन की होते फैमिली में, जो कि एक सेलेस्टियल ड्रैगन थे। उसका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम डॉन की होते रोजेनेट था। तो जब दो फ्लामिंगो 8 साल का था तब तक उसने अपनी आलीशान लाइफ मजे से जी। लेकिन फिर उसके बाप डॉन की होते होमिंग ने एक दिन फैसला किया कि वो सेलेस्टियल ड्रैगन के टाइटल को छोड़कर आम इंसानों की जिंदगी जीना चाहता है। ऐसा कोई भी नहीं करता। लेकिन इसका बाप दूसरे सेलेस्टियल ड्रैगन से काफी अलग था। अभी इंसानों के पास रहने तो आ गए, लेकिन जो पाप इनके लोगों ने अभी तक आम इंसानों के साथ किए थे उनकी कीमत इन्हें चुकानी पड़ती है। जैसे लोगों को पता चलता है कि ये फॉर्मर सेलेस्टियल ड्रैगन है, तो वो सब जो अपना गुस्सा इतने सालों से भरे बैठे थे वो सब अब इनके ऊपर निकलता है। उन्हें फिर अपना घर छोड़कर एक झोपड़े में रहना पड़ता है। उनकी हालत इतनी खराब थी कि उनके पास खाने तक के लिए कुछ नहीं था। वो कूड़े से बीन कर खाना खाते थे। जो बच्चा कभी आलिशान महलों में रह रहा था, आज उसकी हालत एक भिखारी जैसी हो गई थी। ये सब चीजें धीमे धीमे दो फ्लामिंगो को बदल रही थी। और फिर ऐसी चीज हुई जिसने उसे अंदर से तोड़ दिया, और वो था उसकी माँ की डेथ। और इस सब का जिम्मेदार वो अपने बाप को मान रहा था। वैसे अगर ये सब कुछ ना होता तो दो फ्लामिंगो कभी नहीं बनता। अनलॉक द डेविल। उसके बाद वहाँ के लोग उन्हें लटका कर टॉर्चर भी करते हैं, और इससे पहले वो उन्हें मार पाते उसी वक्त दो फ्लामिंगो के अंदर एक डेविल पैदा हो जाता है। और रेज में आकर वो अपनी कॉनकरर हाकी खोल देता है। उसके बाद ट्रेवल उसे मिलता है कि ये बच्चा दूसरों से अलग है, इसलिए वो उसे इतो इतो नोमी डेविल फ्रूट देता है और एक पिस्टल। और फिर 10 साल की उम्र में अपने छोटे भाई के सामने वो अपने बाप को मार देता है। मैंने कहा था ना, यह हर चीज किसी मकसद से करता है। और फिर वो अपने बाप का सर मारी जोस लेकर जाता है, क्योंकि वहाँ के सेलेस्टियल ड्रैगन उसके बाप को ट्रेटर मानते थे। और वो दिखाने जाता है कि उसने उनके गद्दार को मार दिया ताकि उसे दोबारा सेलेस्टियल ड्रैगन का स्टेटस मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन मारी जोस से उसे उनके नेशनल ट्रेजर के बारे में पता चल जाता है, जो कि टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी। और उसी इन्फॉर्मेशन से बाद में वर्ल्ड गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करके
उनसे खूब फायदा उठाता है। एक तरह से वो सेलेस्टियल ड्रैगन ना होकर भी सेलेस्टियल ड्रैगन वाले काम कर पा रहा था। मेकिंग ऑफ डॉन क्विक्सोटे पायरेट्स। उसके बाद वो वहां से वापस आता है और ट्रेवल डियामांटे पी का वेरगो इन सब के साथ मिलकर डॉन क्विक्सोटे पायरेट्स की गैंग बनाता है। और जब वो 17 साल का था तब वो गोल्ड रॉजर के एग्जीक्यूशन के टाइम पर वहां लॉकडाउन में भी प्रेजेंट था। उसके बाद जब वो 24 साल का हुआ तब उसका भाई रोजिनेट वापस आता है, जो कि 14 साल पहले उससे बिछड़ गया था। दो फ्लेमिंगो वेरगो को एक स्पाई बनाकर मरीन में ज्वाइन करवा देता है। और फिर इसी दौरान दो फ्लेमिंगो स्पाइडर माइल्स के एक टाउन में ट्रफाल्गर लॉ से मिलता है, जिसे एक घातक बीमारी हो रखी थी। दो फ्लेमिंगो उसे भी अपने क्रू में शामिल करता है, लेकिन रोजिनेट लॉ से काफी कनेक्ट हो जाता है और फिर वो उसे अपने साथ ले जाता है और दुनिया भर में उसका इलाज ढूंढता है। और आखिर में जाकर उसे ओपे ओपे नोमी डेविल फ्रूट मिल जाता है, जिसे वो लॉ को खिला देता है। और हमें फिर ये भी पता चलता है कि रोजिनेट असलियत में मरीन का जासूस था, जो दो फ्लेमिंगो पर नजर रख रहा था। और ये खबर वेर को दो फ्लेमिंगो तक पहुंचा देता है, जिसके बाद रोजिनेट अपने डेविल फ्रूट का यूज करके लॉ को तो बचा लेता है, लेकिन अपने बाप की तरह ही दो फ्लेमिंगो उसे मार देता है। लेकिन पता है, दो फ्लेमिंगो का असली प्लान काफी आगे का था। बाद में ड्रेसरोसा आर्क के बीच वो लॉ को बताता है कि अगर मुझे उस वक्त ओपे ओपे नोमी मिल जाता तो नेशनल ट्रेजर के साथ उसे यूज करके मैं इमोर्टलिटी को अचीव कर सकता था। और ऐसा भी कहा जाता है कि मुसामा भी इस अल्टीमेट फ्रूट ओपे ओपे नोमी डेविल फ्रूट की मदद से ही इमोर्टल बना है। यस, मुसामा इज इमोर्टल, ऐसा कहा जाता है। वो शायद वॉइड सेंचुरी से जिंदा है और इसीलिए दो फ्लेमिंगो बाद में भी लॉ के पीछे पड़ा होता है, क्योंकि उसके पास ओपे ओपे नोमी है टेकिंग ओवर ड्रेसरोसा। इतने सारे सालों में पूरी दुनिया में लूटपाट करके और अपना नाम हर जगह फैलाने के बाद अब दो फ्लेमिंगो एक पावरफुल पोजीशन पर था। और जब वो 31 साल का हुआ तो वर्ल्ड गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करके उसने 7 चुचुपकाइज में भी अपनी जगह हासिल कर ली। और अब वो जो चाहे वो कर सकता था, क्योंकि अब उसके पीछे गवर्नमेंट का हाथ था। इसलिए वो सबसे पहले जाता है ड्रेसरोसा। और अब वो ड्रेसरोसा ही क्यों जाता है सिर्फ, इसका एक बहुत बड़ा रीजन था। दो फ्लेमिंगो बताता है कि 800 साल पहले यानी कि वॉइड सेंचुरी के वक्त ड्रेसरोसा पर डॉन क्विक्सोटे फैमिली का राज था, लेकिन जब वो 19 किंगडम्स के साथ मारी जोस शिफ्ट हुए तो उन्होंने रिकू फैमिली को यहाँ का राजा बना दिया। तो इसका मतलब दो फ्लेमिंगो वो वापस लेने आया है जो कभी उसका था। और एक रात वो ड्रेसरोसा के राजा रिकू डोल्डो से जाकर मिलता है और उसे डिमांड करता है 10 बिलियन बेरीज की, वरना वो अगले दिन उसका आइलैंड खत्म कर देगा। राजा उसकी बात मान लेता है और जैसे ही पैसे उसके पास आते हैं साला दो फ्लेमिंगो पलट जाता है। I mean, तुम ऐसे बंदे पे कैसे बिलीव कर सकते हो, इसकी शक्ल पर हरामी पन टपक रहा है। और उनके राजा और सोल्जर्स को कठपुतली बनाकर उन्हीं की प्रजा को उनके हाथों मरवाता है और हर तरफ खून खराबा करवा देता है। और उसके बाद खुद ही आकर उनके लोगों को बचाता है, उनकी नजरों में उनका भगवान बनता है और ड्रेसरोसा का नया किंग भी। उसके बाद वो अपने आप को और सिक्योर करने के लिए वन ऑफ द योंकोस कायदों के साथ अलायंस बनाता है और उसके लिए काफी सारे हथियार वगैरह सप्लाई करता है और सबसे इम्पोर्टेंट उसका स्माइल फ्रूट का बिजनेस भी। और कायदो दो फ्लेमिंगो का निकनेम रखता है जोकर, और इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि कायदो के मेन मेंबर्स के नाम भी कार्ड्स के ऊपर है, किंग क्वीन जैक। लेकिन इसका नाम जोकर इसलिए क्योंकि एक तरह से जोकर कार्ड के गेम से बाहर रहता है। ऐसे ही दो फ्लेमिंगो बीच पायरेट्स का मेंबर तो नहीं था, लेकिन काम कायदो के लिए कर रहा था। दी अपीयरेंसेस। इसके बाद दो फ्लेमिंगो सीरीज में काफी बार बीच बीच में आता है। पहला तो उसका डेब्यूट जो कि जाया आर्क के वक्त होता है, जब वह मारीजोस में शिचुबुकाई की मीटिंग के लिए जाता है क्रोकोडाइल के हारने के बाद। उसके बाद वो बेलामी को सजा देते हुए भी दिखाया जाता है। उसके बाद सबाउदी आर्क के टाइम पर उसे कॉल आता है डिस्को का, जो कि सबाउदी में उसका एक ऑक्शन हाउस चला रहा था। और फिर हमें पता चलता है कि वो ऑक्शन हाउस भी दो फ्लेमिंगो का था, यानी कि वो स्लेवरी वगैरह का भी बिजनेस करता था। वो उससे मदद मांग रहा था लेकिन दो फ्लेमिंगो मना कर देता है, क्योंकि उसे बारिजो से बुलावा आ गया था और सारे चुचुबकाइज इकट्ठा हो रहे थे अपकमिंग बैटल के लिए। मरीन फोर्ड वॉर। अ व्हाइट बियर्ड से लड़ने के लिए
चिचिबिकाइज मरीन की तरफ से लड़ने के लिए आते हैं। जादू फ्लेमिंगो मजे से फाइट को एंजॉय करता है। उसके बाद वो क्रोकोडाइल से मिलकर भी काफी खुश होता है और उसे कहता है अगर हम दोनों एक साथ मिल जाएं तो ये पूरी दुनिया जीत सकते हैं। उसके बाद वॉर में जो भी हंगामे हुए और जो भी राज हमें पता चलते हैं, जैसे लूफी का असली बाप मंकी डी ड्रैगन है, एस का असली बाप गोल्डी रॉजर है, शांक्स का वॉर को रोकना, यहाँ तक कि व्हाइट बियर्ड का कहना वन पीस इज रियल, ये सारी चीजें देखने और सुनने के बाद उसका रिएक्शन सिर्फ ये था। ऐसा लगता है एक क्लाउन है, लेकिन मैंने कहा ना जब भी ये मुंह खोलता है तब इससे खतरनाक कैरेक्टर पूरे वन पीस में कोई नहीं, क्योंकि ये बहुत डीप बोलता है। और यहाँ मरीन फोर्ट पर भी वो अपनी फेमस स्पीच देता है जस्टिस के ऊपर, जिसे सुनकर तुम्हारा परसेप्शन ही चेंज हो जाएगा जस्टिस को लेकर। वो कहता है तुम्हें लगता है मरीन सही है और पायरेट्स इविल है, ये सारी टर्म्स बेतुकी है, हमें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हमें ऐसा बताया गया है, ये जाम खड़े हैं, ये है न्यूट्रल ग्राउंड। तुमने कहा जस्टिस होगा, जरूर होगा, whoever won this war becomes justice. Fuck. जब मैंने ये लाइन सुनी थी ना उस वक्त से ही बस मैं इस बंदे के बारे में जानना चाहता था। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना भी, और अगर तुमने इस सीरीज के दूसरे पार्ट्स नहीं देखे तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वो भी देखना। इस आइलैंड पर दो फ्लेमिंगो का चमचा सीजर क्लाउन काम करता था, जो कि इसके स्माइल फ्रूट का प्रोडक्शन करता था। लेकिन चीजें गड़बड़ जब हुई जब लॉ और स्ट्रॉयड पायरेट्स ने इन पर हमला किया, उन्होंने सीजर को पकड़ लिया, जिसकी वजह से दो फ्लेमिंगो को अपनी पूरी लैब उड़ानी पड़ी, और सीजर के बिना वो स्माइल फ्रूट भी नहीं बना सकता था, और अगर उसने स्माइल फ्रूट नहीं बनाया तो कायदो उसे नहीं छोड़ेगा, और ये बात लॉ अच्छे से जानता था। इसलिए लॉ डोफ्लेमिंगो के साथ डील करता है और शर्त रखता है कि मैं तुम्हें सीजर वापस कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें सिचिबिकाई की पोजीशन से रिजाइन करना होगा, और सिचिबिकाई से रिजाइन करने का मतलब वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ होना। फिर वो अपने क्रूमेट्स बेबी फाइव और पफेलो को बचाने के लिए पंख हजार्ड पर आता है, जहां वो गुस्से में मरीन के कुछ सोल्जर्स और स्मोकर को पेल देता है। लेकिन जैसे ही वो उसे खत्म करने वाला होता है, फॉर्मर एडमिरल आउकीजी आकर उसे रोक लेता है, लेकिन दो फ्लेमिंगो होशियारी दिखाता है और उससे बिना लड़े वहां से चला जाता है। ड्रेसरोसा आर्क। अब दो फ्लेमिंगो अपने कमरे में बैठा होता है, लॉ को फोन करके कहता है कि उसने सिचुपिकाई से रिजाइन कर दिया है। सारे अखबारों में ये खबर छप जाती है, जिसे सुनकर पूरा ड्रेसरोसा पागल हो जाता है, और वादे के मुताबिक लॉ ड्रेसरोसा के ग्रीन बिट में सीजर को वापस दो फ्लेमिंगो तक पहुंचाने आता है, और दो फ्लेमिंगो के साथ सरप्राइजिंगली एडमिरल फुजीतोरा भी था। लेकिन तभी दो फ्लेमिंगो सबको शॉक दे देता है, क्योंकि CP0 खुद ड्रेसरोसा आते हैं और ये क्लियर करते हैं कि जो ये रेजिग्नेशन की खबर छपी है वो फेक है। लॉ को जब ये बात सांजी बताता है तो वो हैरान हो जाता है कि ऐसा काम तो सिर्फ वर्ल्ड नॉबल्स ही कर सकते हैं। और फिर दो फ्लेमिंगो उसे बताता है कि वो एक फॉर्मर सेलेस्ट ड्रैगन है। उसके बाद लॉ सीजर को लेकर भागने की कोशिश करता है, वो सीजर को तो उसके हाथों में नहीं लगने देता, लेकिन वो दो फ्लेमिंगो के हाथों पकड़ा जाता है, जिसे वो फिर अपने महल ले जाता है। फॉल ऑफ दो फ्लेमिंगो। अब अंदर ही अंदर स्ट्रॉयड्स के सारे मेंबर्स ड्रेसरोसा को तबाह कर रहे थे, उसे सुगर का काम तमाम कर देता है, जोरो पीका को डिस्ट्रॉय कर देता है, फ्रांकी उसकी स्माइल फैक्ट्रीज उड़ा देता है, और एक बड़ी अलायंस उसकी पूरी आर्मी खत्म कर देती है। लेकिन दो फ्लेमिंगो भी बर्ड केज का यूज करके उन सबको ड्रेसरोसा में कैद कर लेता है। अब लूफी ऊपर पहुंचता है और लॉ को बचाते हुए इन दोनों का क्लैश होता है, लेकिन अभी भी दो फ्लेमिंगो फाइट डोमिनेट कर रहा था। जिसके बाद लूफी अनलॉक करता है गियर फोर्थ बाउंस मैन और एक ही पंच में दो फ्लेमिंगो को उड़ा देता है। दो फ्लेमिंगो को खुद को विश्वास नहीं हो रहा था कि साला ये एकदम से इतना ताकतवर कैसे हो गया। बाद में दो फ्लेमिंगो अपनी डेविल फ्रूट अवेकनिंग का भी यूज करके उस पर अटैक करता है, लेकिन लूफी का किंग कॉन्ग गन सब कुछ तोड़ते हुए दो फ्लेमिंगो को खत्म कर देता है, और ड्रेसरोसा दो फ्लेमिंगो के राज से छूट जाता है। द थ्रोन वॉर्स। उसके बाद मरीन वाले दो फ्लेमिंगो को पकड़ कर ले जाते हैं, लेकिन दो फ्लेमिंगो के सर पर कायदो का हाथ था, इसीलिए जैक उसे बचाने के लिए आता है, लेकिन बचा नहीं पाता क्योंकि अनलकीली सुरु और सेंगोकू थे। लेकिन जंजीरों में जकड़े हुए दो फ्लेमिंगो सुरु से कहता है मैं उन मॉन्स्टर्स का इकलौता सप्लायर था, एंड अगेन
वो फ्यूचर इवेंट्स पर एक खतरनाक स्पीच मारता है। तुम्हें क्या लगता है, इस समुद्र पर असलियत में राज कौन कर रहा है? क्या वो योंकूज हैं, या फिर चुचुबुकाइज, या फिर ये वर्ष जनरेशन के पायरेट्स, या फिर मरीन भी हो सकते हैं, और या फिर रेवोल्यूशनरी आर्मी, जिस फैमिली डी की बातें ये लोग करते हैं, वो कब आएंगे? और अगर ऐसा हुआ तो इन सब में कौन किसका साथ देगा और कौन किसको धोखा? और फिर हंसते हुए कहता है उन सेलेस्टियल ड्रैगन्स को कह देना कि वो तैयार रहें, क्योंकि बहुत ही जल्द उनका साम्राज्य नीचे गिरने वाला है। 25 साल हो चुके हैं गोल्ड रोजर को मरे हुए, और उसके राइवल व्हाइट बियर्ड ने भी कभी भी उस थ्रोन पर बैठने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब क्या होगा, इतने सारे लोग और थ्रोन सिर्फ एक। तुम समझ गई ना मैं किस थ्रोन की बात कर रहा हूँ? शुरुआत हो चुकी है सबसे बड़े जंग की, द थ्रोन वॉर्स। और इनडायरेक्टली वो इस एम्प्टी थ्रोन की बात कर रहा है जिस पर इमू बैठा है। व्हाट मेक्स हिम डिफरेंट? तो दो फ्लेमिंगो इसलिए बाकी विलन से अलग है क्योंकि हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचता है। और पता है, ऐसा भी कहा जाता है कि दो फ्लेमिंगो चश्मा हमेशा इसलिए पहनता है क्योंकि असल में उसकी आंखें उधर है ही नहीं, क्योंकि उसकी नजर हमेशा फ्यूचर में रहती है। जरूरी है, हमेशा पागलों की तरह हंसता रहता है, लेकिन जब ये स्टेटमेंट देता है तो तुमने देखा है ये कितना डीप चला जाता है। और ऐसा लगता भी है कि इसे सब पता है, ये सब कुछ प्रेडिक्ट करके बैठ चुका है आगे क्या क्या होने वाला है। ये हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचता था, इसीलिए इतना सक्सेसफुल बन पाया। इसने वर्ल्ड गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करके चिचुबुकाई की पोजीशन ली ताकि मरीन वाले इसे हाथ ना लगा सके। सुनते जाओ, इसने कायदो के साथ हाथ इसलिए मिलाया क्योंकि इसे पता था कि सीज पर योंकूज का राज है। और अब जब ये कायदो के साथ है तो अगर किसी ने इस पर अटैक करने की जरूरत की तो इसका मतलब वो सीधा कायदो पर अटैक कर रहा है। यहाँ तक कि इसका बिजनेस भी वेपन्स, एमिनेशन, स्लेवरी वगैरह वगैरह का था, क्योंकि इनकी दुनिया में इनका कोई अंत नहीं। और पूरे सी में इसने अपने आप को एक इकलौता सप्लायर बना रखा था, क्योंकि अगर कभी कायदो या बाकी के इसके अलायंस चाहे इसे रास्ते से हटाना तो वो चाहकर भी इसे हटा न पाए, क्योंकि ये उनका इकलौता सप्लायर है। अगर ये गया तो सप्लाई कौन करेगा? माइंड देख रहे हो, चाहते हुए भी कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। ये दुनिया को भी एक अलग ही नजरिए से देखता था। सारी दुनिया पायरेट किंग बनने की सोच रही थी, वहीं ये बंदा इमोर्टल बनने का सोच रहा था, जिसके बाद एक कायदो वगैरह को भी एक टाइम पर आकर हरा ही देता और इस पूरे वन पीस वर्ल्ड पर इसी का राज होता। और मुझे लगता है कि इसे पता है इमूसामा के बारे में, तभी तो ये दूसरा इमूसामा बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो भी इमोर्टल बनकर इस दुनिया पर राज कर रहा है। बस दो फ्लेमिंगो की गलती ये थी कि वो फ्यूचर की प्लानिंग करने में इतना बिजी था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि प्रेजेंट में उसके सामने क्या हो रहा है। एंड दैट्स व्हाई ही लॉस्ट। एक दिन के अंदर इसका पूरा साम्राज्य खत्म हो गया। लेकिन मैं अभी भी बता रहा हूँ, ये बंदा जेल से जरूर निकलेगा, इसलिए तो इसे बार बार दिखाया जा रहा है, बिकॉज ही इज वेरी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है फाइनल आर्क में भी। और हाँ, लिख लो ये आखिर तक सरवाइव करेगा। कमेंट करना कि अगला किस कैरेक्टर को पकड़ूं। और अगर तुमने मेरे सोशल मीडियाज को फॉलो नहीं करा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर फॉलो करो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आज के लिए बस करते हैं। अरिगातो।